भाजपा के गोरखपुर लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश निषाद ने सपा से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा कि देश की 70% जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए है और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए तैयार है, इसलिए चुनाव में कोई भी आए और कोई भी जाए इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। इस चुनाव में हर दल अपना प्रत्याशी उतारेगा लेकिन भाजपा अपार बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने जा रही है। उन्होंने महिला प्रत्याशी उतारे जाने के सवाल पर कहा कि कोई भी पार्टी ने महिला बिल लाने का प्रयास नहीं किया था, भाजपा ने महिला बिल लाया, आगे केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा, देश की जनता आज 65-70% जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है मतदान करने के लिए और पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए तैयार है। कोई भी आए कोई भी जाए, आने जाने का तो राजनीतिक दल का अपना अपना प्रत्याशी उतारना है, उतरबे करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत के साथ हर क्षेत्रों से जीतेगी भी और अपार बहुमत की सरकार भी केंद्र में बनाने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कौन ऐसी पार्टी है, सरकार तो सबकी रही है, किसी ने महिला बिल आरक्षण को पास नहीं किया, पास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और दिया है तो बखूबी उसका पालन करेंगे, जहाँ जैसी आवश्यकता होगा वैसा नेतृत्व निर्णय लेगा।